भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। विशेष रूप से इस अधिवेशन का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है उसका उल्लेख उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में किया। विशेष रूप से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव आए हैं। विशेष रूप से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने राजनीतिक परिस्थिति पर प्रस्ताव रखा और राजनाथ सिंह जी ने विकसित भारत मोदी जी की गारंटी इस विषय पर प्रस्ताव रखा। विशेष रूप से इन दोनों प्रस्तावों में अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का और विशेष रूप से आदरणीय मोदी जी का जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया और आदरणीय मोदी जी ने आने वाले 2024 के चुनावों में किस प्रकार से तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश में स्थापित करना है इस प्रकार का मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय मोदी जी ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।